नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के लिए मेट्रो का इंतजार अब खत्म हो चुका है। भारत सरकार ने मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे जल्दी आपको मेट्रो की सुविधा मिलेगी। नोएडा सेक्टर 51 से चार मूर्ति गोल चक्कर तक और नॉलेज पार्क 5 तक मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। दूरी 15 किलोमीटर से घटकर 10 किलोमीटर हो जाएगी। इस परियोजना की क्या विशेषताएं हैं और कैसे इस परियोजना से आपकी यात्रा आसान होगी, आइए आपको बताते हैं। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस नई योजना के अनुसार एक व्यापक मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो गाजियाबाद से शुरू होकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए सीधे जेवर एयरपोर्ट तक जाएंगे। और ये भी हो गया कि सेक्टर 51 से की जो लाइन है, जो नोएडा में जो टूटी लाइन है, वो इसमें मर्ज कर दी जाएगी। चार मूर्ति चौक नॉलेज पार्क 5 तक एक लाइन में 15 किलोमीटर से 10 किलोमीटर लंबाई को समाहित कर देंगे। यानी अब नोएडा सेक्टर 51 से लेकर के ये जेवर वाली लाइन सेम होगी, गाजियाबाद से चलेगी, 51 को विकसित करेगी, 10 किलोमीटर की एक लाइन को जोड़ देगी। नोएडा सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क का एक अलग लाइन भी 10 किलोमीटर का जोड़ देंगे। पहले ये योजना थी कि ट्रैक को दो चरणों में बनाया जाएगा, लेकिन अब पूरे ट्रैक का निर्माण एक साथ किया जाएगा। ये पूरी तरह से एलिवेटेड ट्रैक होगा, जिस पर नमो भारत 140 किलोमीटर प्रति घंटा और मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी। 2031 तक इस रूट पर लगभग 3.9 लाख यात्री होने के अनुमान है, जबकि 2054 से 2055 तक ये संख्या 7 लाख से अधिक होने की संभावना है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का अंशदान 20-20% रहेगा, जबकि 60% अंशदान जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC की होगी। यदि NCRTC खर्च उठाने में असमर्थ होती है तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण और नोएडा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड NIL इसकी जिम्मेदारी लेंगे। योजना के अनुसार एक्वालाइन को नमो भारत से जोड़ने की भी तैयारी है। एक्वालाइन का विस्तार सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक किया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट तक जाने वाली नमो भारत की लाइन से जोड़ा जाएगा। इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को भी काफी लाभ होगा। कुल मिलाकर इस प्रकार की योजनाएं नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में भी अपनी भूमिका निभाएंगी। ये परियोजना क्षेत्र विकास और रोजगार के लिए नए अवसर को भी उत्पन्न करने में सहायता करेगा। ये परियोजना NCR क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने में मददगार साबित होगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और समय की भी बचत होगी। स्थानीय निवासियों ने इस खबर का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।